बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है माशाल्लाह ठीक होंगे। अंदाज़ अपना पर कुकिंग चैनल में आपका खुश आमदेद। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार और इजी झटपट बनने वाली रेसिपी लेके आई हूँ, शवारमा चीज़ सैंडविच। ये इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन चीज़ों की ज़रूरत है हमें, ब्रेड मैंने लिया 4 अदद, स्लाइस ली है मैंने, और चिकन टिक्का मैंने आपको सिखाया है वो वाला है, शवारमा सलाद है, शवारमा रेड सॉस है, चीज़ चाहिए हमें, मायनीज चाहिए, और ग्रीस करने के लिए हमें घी चाहिए। आप बटर भी ले सकते हैं, ऑयल भी ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स करते हैं। जो मैंने शवारमे में आपको चिकन टिक्का सिखाया है ये उसमें बचा हुआ था। ये बहुत ही टेस्टी है माशाल्लाह। ये शवारमा सलाद है, बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है, शवारमा सॉस रेड सॉस। इसको मैं निकाल ही देती हूँ पहले, ज़्यादा ही ना हो जाए, इतनी बहुत है। शवारमा सॉस, मायनीज, मैंने आपको चिकन शवारमा सिखाया है, इंशाल्लाह वो मुझे उम्मीद है कि वो भी आपको रेसिपी मेरी पसंद आई होगी। तो उसमें से ये चीज़ें बची हुई थी तो मैंने सोचा कि शवारमा चीज़ सैंडविच रेडी कर लेती हूँ। बहुत इजी और झटपट बनने वाली चीज़ है, चीज़ें वेस्ट भी नहीं होती और माशाल्लाह बच्चे भी हैप्पी हो जाते हैं। ये इंशाल्लाह मेरी रेसिपी बच्चों को ख़ास तौर पर बहुत पसंद होगी। ये लंच बॉक्स के लिए, ये बच्चों के डिनर के लिए बहुत ही मज़ेदार है। अब मैं इसके अंदर चीज़ ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों को बना के देंगे, बच्चे इंशाल्लाह खुश हो जाएंगे और मज़े से खाएंगे, इंजॉय करेंगे। क्योंकि जब बच्चों के हाथ में सैंडविच बना के करा दिया जाए ना तो बच्चे खुद ब खुद हैप्पी हो जाते हैं। ये समझे कि ये मेरे बच्चों की डिश लेके आई हूँ। अब मैं एक प्लेट लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक स्लाइस लेती हूँ ब्रेड का। अब मैं उसके ऊपर ये मैरिनेशन जो मैंने रेडी की है, ये मैंने झटपट इसलिए सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं कि माओ को आसानी रहे, कोई काम उनको मुश्किल ना लगे, सारी चीज़ें एक मरतबा ही डाल लें। आप चाहें तो इसमें रेड सॉस है वो ना ऐड करें, आपकी अपनी चॉइस है। अगर बच्चों को केचप पसंद है तो सबसे पहले आप स्लाइस पे केचप भी लगा सकते हैं। एक मैं आपको केचप के साथ सिखा देती हूँ और आप एक मैं आपको विदाउट केचप के सिखा देती हूँ। इतनी मैरिनेशन बहुत है, इनको किनारों पर भी कर लें। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत इजी रेसिपी है, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। मैं एक चीज़ों के साथ दो दो तीन तीन रेसिपी रेडी कर लेती हूँ। इनको साइड साइड से कर लेते हैं कि कोई जगह खाली ना रहे। अब ये थोड़ी सी चीज़, मैं चीज़ तो बच्चों को बहुत ही पसंद होती है, ऐसे अब ये मैं दूसरे पे डाल लूँगी जो बाकी रह गई है। ऐसे बंद करते हैं इसको अच्छे से। अब मैं एक सैंडविच मैंने रेडी कर ली है, इकट्ठे ही मैं उसमें सैंडविच मेकर में रखूँगी। मैंने कहा साथ इसको आपको एक नया तरीका बता देती हूँ, बच्चे दोनों तरीके से खुश हो जाएंगे। ज़्यादा नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैंने इसके अंदर रेड सॉस ऐड की हुई है ना, तो फिर वो ज़्यादा स्पाइसी हो जाएंगे, वो मज़े वाले नहीं लगेंगे फिर बच्चे और बड़े नाराज़ होंगे। ये टी टाइम के लिए भी स्नैक्स के कह सकते हैं, जब मर्ज़ी दिल किया और बना लिया। मैंने ये कम लगाई है खुद ही कि माशाल्लाह मैंने इसके अंदर भी सॉस ऐड की हुई है। शवारमा चीज़ सैंडविच इंशाल्लाह आपको ही मेरी रेसिपी पसंद आएगी, झटपट है और बहुत ही मज़ेदार है। सैलड में आप, सलाद में आप जो मर्ज़ी चीज़ ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें खीरा ऐड किया हुआ है, गाजर है, बंद गोभी है, सलाद के पत्ते हैं, आप चाहें तो टमाटर भी ऐड कर लें। और मटर भी ऐड कर सकते हैं जो बच्चों को लाइक है।
मेरी भांजी आई थी तो वो ज़रा कम ही खाती थी, तो मैंने उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ सैंडविच बना के दिए, तो उसने बहुत शौक के साथ खाए, पर वो इतना स्पाइस नहीं खाती थी, लाइट वाला। इसको अच्छे से बंद कर लेते हैं, सैंडविच मेकर लेते हैं, उसके ऊपर मैं फिंगर के साथ ही, नहीं तो आप ब्रश के साथ इसको ग्रीस कर लें, ब्रश के साथ बेटर रहेगा। हीट हुई है, ग्रीस मैंने अच्छे से कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ब्रेड के सैंडविच रखती हूँ। इधर भी मैंने घी लगा दिया, उधर भी नीचे भी लगा दिया। अब मैं इसको प्रेस करती हूँ नीचे, बिस्मिल्लाह, अच्छे से इसको बंद कर लें। अब ये ऑन हो गया, जब इसकी ग्रीन लाइट आएगी तो इसका मतलब है कि हमारे सैंडविच रेडी हैं। शवारमा चीज़ सैंडविच आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत इजी और झटपट बनने वाली है, देखा कितना टाइम लगा, कोई इतना ख़ास टाइम नहीं लगा। बच्चे भी हैप्पी हो जाएंगे और आप भी खुश हो जाएंगे कि हमारे बच्चों ने कुछ खा लिया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल का भी बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द पहुँच सकें। जो वीडियो आपको लाइक होती है तो उसको ज़रूर शेयर किया करें अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ, और लाइक भी ज़रूर किया करें। सैंडविच हमारे रेडी हो गए हैं, ग्रीन लाइट ऑन हो गई है, स्विच बंद करते हैं इसका, इसको ओपन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार रेडी हुए हैं, चिमटे की मदद से निकालेंगे, ये बहुत ज़्यादा गर्म है। सैंडविच मेकर नहीं है, कोई बात नहीं, तो आप इसको तवे पे भी रेडी कर सकते हैं। व्यूअर्स देखें, शवारमा चीज सैंडविच हमारे रेडी हैं, कितने मजे के लग रहे हैं, मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह देखें इतने मज़े के बने हैं, बच्चों को इंशाल्लाह ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ये देखें मैंने चेक किया है इसको, और भी मैंने बनाए हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा स्पाइस नहीं है, बच्चे बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे और ज़रूर उनको बना के खिलाइएगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बाद रखे, अच्छे अच्छे खाने नसीबों में करे, अल्लाह ताला आप सबकी मुश्किलात को आसान करे। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।